Assalamu alaikum. This is the first ever image of black hole released by Event Horizon Telescope on April 10, 2019. This black hole is located 53.5 million light years away from our Earth at the center of galaxy called M87. Let me explain this beautiful image of black hole. अगर आप इस इमेज को गौर से देखें तो आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक डार्क शेडो और उसके इर्द गिर्द रोशनी। ये जो रोशनी है ये बेसिकली प्लाज्मा है जो इस सुपरमैसिव ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, और प्लाज्मा को सुपरमैसिव ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट करने में अप्रोक्सीमेटली 2 दिन लग जाते हैं, और इस रोशनी के अंदर कुछ हिस्सा डार्क है और कुछ हिस्सा ब्राइट है। ये हिस्सा ब्राइट इस वजह से है क्योंकि यहाँ से प्लाज्मा हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि प्लाज्मा हमारी तरफ अप्रोक्सीमेटली विद द स्पीड ऑफ लाइट आ रहा है तो इसलिए ये हिस्सा ब्राइट है और जो बाकी हिस्सा है वो डिम है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्लाज्मा हमसे दूर जा रहा है विद अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डॉपलर बीमिंग्स या रिलेटिविस्टिक बीमिंग। इस ब्लैक होल के इमेज से साइंसदानों को ये पता चला कि प्लाज्मा इस सुपरमैसिव ब्लैक होल के गिर्द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्बिट कर रहा है, और इस ब्यूटीफुल पिक्चर ने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी सपोर्ट किया जो कि आइंस्टाइन ने आज से 100 साल पहले पब्लिश की थी। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक लाइट ग्रेविटी से बेंड हो जाती है, और इसी तरह अगर आप ब्लैक होल को देखें तो इसके इर्द गिर्द जो रोशनी है वो आपको बेंड हुई हुई नज़र आ रही है। और इस इमेज ने ये भी कंफर्म किया कि वाकई ही सुपर मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। M87 गैलेक्सी का ये जो ब्लैक होल है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या है कि इसकी एक्रेशन डिस्क के अंदर जो मैटर है ये ब्लैक होल उसको बहुत जल्दी निगल रहा है, और इसकी एक्रेशन डिस्क के ऊपर और नीचे 2 जेट्स हैं जो कि यहाँ मैंने आपको ब्लू कलर्स में दिखाए हुए हैं, और ये समझा जाता है कि ये जेट्स किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हुए हैं, और ये जेट्स स्पेस के अंदर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर फासले तक फैले हुए हैं। तो हमने अपनी टेलीस्कोप से जो इस ब्लैक होल का इमेज लिया है उसमें एक जेट जो है वो हमें नज़र आ रहा है जो कि हमारी तरफ आ रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही होगी अप्रोक्सीमेटली विद द स्पीड ऑफ लाइट तो वो आपको ब्राइट नज़र आएगी, तो इसीलिए ये जो जेट है ये हमें नज़र आ रहा है, और जो दूसरा जेट है वो हमसे दूर जा रहा है इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा। इस ब्लैक होल का इमेज लेने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने यूज़ की है उसकी वेवलेंथ 1.3 मिलीमीटर है, यानी कि रेडियो वेव। रेडियो वेव से इमेज लेने के 2 फायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि रेडियो वेव ब्लैक होल की एक्रेशन डिस्क और स्पेस के अंदर जो इंटरस्टेलर डस्ट है और गैस है वहाँ से आसानी के साथ पेनिट्रेट होकर हमारी ज़मीन पे जो टेलीस्कोप है वहाँ तक पहुँच जाती है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हम इवेंट होराइजन के करीब तरीन जगह का इमेज भी रेडियो वेव से ले सकते हैं। अगर हम अपने प्रोस्पेक्टिव से यानी कि अर्थ से इस ब्लैक होल को देखें तो इसका जो एंगुलर साइज है वो बहुत ही कम है, और वो कितना है, 40 माइक्रो आर्क सेकंड। ये बेसिकली एंगल है, ठीक है, जो कि हम इस ब्लैक होल का मेजर कर रहे हैं अर्थ से। अब यहाँ पे मैं आपको ये समझा देता हूँ कि 1 आर्क सेकंड कितना होता है। अगर आप 1 डिग्री को 60 हिस्सों में तकसीम कर दें तो वो 1 आर्क मिनट बनता है, और 1 आर्क मिनट कितना होता है, 0.0167। और फिर मजीद अगर आप 1 आर्क मिनट को 60 हिस्सों में तकसीम कर दें तो 1 आर्क सेकंड बनता है, और 1 आर्क सेकंड कितना होता है, 0.0028। तो अब यहाँ से हम 1 माइक्रो आर्क सेकंड की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो कितनी होगी, 2.8 × 10⁻¹⁰। तो अब ये देख लें कि ये कितना छोटा एंगल है, और ये किस वजह से है, क्योंकि ये ब्लैक होल हमसे 53.5 मिलियन लाइट वे दूर है, मतलब कि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। अब इसका एंगुलर साइज छोटा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये ब्लैक होल सुपर मैसिव नहीं है या बड़ा नहीं है। तो अगर हम इसकी ब्राइटनेस, इसका मास कैलकुलेट करें तो इस ब्लैक होल का मास 6.5 बिलियन टाइम्स मास ऑफ अवर सोलर सन है, ठीक है, मतलब कि हमारे सन से इस ब्लैक होल का मास 6.5 बिलियन गुना ज़्यादा है,
और ये जो आपको डार्क शेडो नजर आ रहा है ये कितना होगा, ये तकरीबन हमारे सोलर सिस्टम जितना है, ठीक है। तो ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है, इसके एंगुलर साइज में ना जाए, एंगुलर साइज इसका इसलिए छोटा है क्योंकि ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है। अब अगर आपने किसी भी चीज को देखना है तो उसके लिए डायफ्रेक्शन लिमिट्स होती हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ फिजिक्स। अब क्योंकि जो ये ब्लैक होल है ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तो इसको देखने के लिए जो टेलीस्कोप हमें चाहिए वो हमारी इस अर्थ जितनी होनी चाहिए। अब इतनी बड़ी टेलीस्कोप बनाना तो नामुमकिन है, तो फिर साइंसदानों ने क्या किया कि हमारी अर्थ में डिफरेंट जगह के ऊपर 8 टेलीस्कोप रखी और उन 8 टेलीस्कोप से साइमल्टेनियसली इस M87 के ब्लैक होल के इमेजेस लिए, और साथ साथ जमीन जो है वो स्पिन भी कर रही है, जमीन स्पिन कर रही है और ये 8 टेलीस्कोप्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली इस ब्लैक होल का इमेज ले रही हैं, तो वो इमेज ऐसे ही है जैसे कि एक अर्थ जितनी टेलीस्कोप से लिया हुआ है, ठीक है। अर्थ की स्पिनिंग और डिफरेंट जगह पे 8 टेलीस्कोप से साइमल्टेनियसली इमेजेस अगर आप लें तो वो इमेज बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि एक अर्थ जितनी टेलीस्कोप से आपने इमेज लिया है। तो फाइनली वी हैव फर्स्ट एवर इमेज ऑफ ब्लैक होल एंड दिस इज द रेवोल्यूशनरी डे इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।